जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा IPL 2023 का, जो कि दोस्तों ये मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं इस मैच में, तो बता दूं दोस्तों इस मैच में 50,000 रुपए का फ्री गिव रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, या फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो आपको 5,000 रुपए का फ्री गिव दिया जाएगा, एंड सेकंड रैंक लाते हो आपको 2,000 रुपए का, एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपए का फ्री गिव दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूँ फ्रेंड्स मैच वेन्यू की, तो दोस्तों बता दूं ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा फ्रेंड्स। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है दोस्तों। अभी तक टोटल यहाँ 10 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 6 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 4 मुकाबले जीते हैं। जो एवरेज स्कोर रहा है इस पिच का दोस्तों वो 160 रहा है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की, तो बता दूं दोस्तों अहमदाबाद का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 2.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूं फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो दोस्तों टोटल मैच 10 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने दोस्तों 6 मुकाबले जीते हैं, एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 4 मुकाबले जीते हैं। परसेंटेज की बात करूँ बैटिंग फर्स्ट बॉल 60% एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉल 40%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है वो दोस्तों 160 रहा है, एंड सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 137 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 234 दो विकेट के साथ रहा है दोस्तों, एंड लोवेस्ट टोटल 66 रन 10 विकेट के साथ फ्रेंड्स। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो 166 रन 3 विकेट के साथ हुआ है, एंड लोवेस्ट इवेंटेड 107 रन 7 विकेट के साथ। बात करता हूँ फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों फर्स्ट पर रिद्धिमान शाह जो कि दोस्तों विकेट कीपिंग करेंगे गुजरात टाइटंस की ओर से, सुमन गिल या अभिनव मनोहर, हालांकि दोस्तों सुमन गिल पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। तो दोस्तों आपको थर्ड पर बता दूं हार्दिक पांड्या, एंड फोर्थ पर विजय शंकर जो कि दोस्तों पिछले मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था। फिफ्थ पर डेविड मिलर, सिक्स पर राहुल तेवतिया, सेवन्थ पर राशिद खान, एट्थ पर नूर अहमद, नाइन्थ पर मोहम्मद शमी, टेंथ पर मोहित शर्मा, एंड इलेवंथ पर जोशुआ लिटिल। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि दोस्तों गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की, तो फर्स्ट पर डेविड वार्नर जो कि दोस्तों कप्तान है, सेकंड पर फिलिप साल्ट, थर्ड पर मिशेल मर्स, फोर्थ पर मनीष पांडे, फिफ्थ पर प्रियम गर्ग, सिक्स पर अक्षर पटेल, सेवन्थ पर रायपल पटेल, एट्थ पर कुलदीप यादव, नाइन्थ पर हेनरिक नौरखिया, टेंथ पर मुकेश कुमार, इलेवंथ पर ईशांत शर्मा। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों बता दूं गुजरात टाइटंस जो कि गुड फॉर्म में है रीसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं दोस्तों, वो आप गुजरात टाइटंस के अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ टॉस प्रेडिक्शन की, आज का टॉस है कौन जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज का टॉस है दोस्तों वो दिल्ली कैपिटल टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। बात करूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की, तो दोस्तों सुमन गिल को आप एज अ स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड राशिद खान को दोस्तों एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। बात करूं फ्रेंड्स हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोस्तों गुजरात टाइटंस जो कि दो मुकाबला जीता है हेड टू हेड, एंड दिल्ली कैपिटल एक भी मुकाबला नहीं जीता फ्रेंड्स। बात करूं कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि दोस्तों गुजरात टाइटंस के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या जो कि दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर हैं गुड फॉर्म में चल रहे हैं तो आप इनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, डेविड मिलर,
मोहम्मद शमी अच्छे बॉलर हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। राशिद खान जो कि दोस्तों अभी तक हालांकि एक दो विकेट ले लेते हैं हर मैच में, तो दोस्तों आप इनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर चेक करिए। दोस्तों सुमन गिल जिनका दोस्तों पिछला मैच अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था, तो दोस्तों इनको भी आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर चेक करिए। आप ये छह खिलाड़ी देख सकते हो जो कि गुजरात टाइटन्स के ये सिक्स प्लेयर हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ दिल्ली कैपिटल के कुछ मुख्य खिलाड़ी की जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। मनीष पांडे जो कि अभी तक 202 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स। एंड्रेस नौरकिया अच्छे बॉलर हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। कुलदीप यादव अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, ज़्यादातर मैच में एक दो विकेट हासिल कर रहे हैं, तो आप इनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। मिशेल मार्श, डेविड वार्नर जो कि दोस्तों अच्छे कप्तान है दिल्ली कैपिटल के, हालांकि दोस्तों दो ही मुकाबले जीत पाए हैं, लेकिन दोस्तों इनका परफॉर्मेंस इस सीज़न अच्छा देखने के लिए मिला है दिल्ली कैपिटल की ओर से। अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर मैच में एक दो विकेट हासिल कर लेते हैं और 20 से 25 रन हर मैच में दोस्तों ये लगा देते हैं। बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों आप मनीष पांडे को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे जो कि अभी तक 202 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। हार्दिक पांड्या जो कि दोस्तों अभी तक 296 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। डेविड वार्नर अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों, जो कि अभी तक इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है दिल्ली कैपिटल की ओर से, जो कि अभी तक 454 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। राशिद खान अच्छे बॉलर हैं, ज़्यादातर मैच में एक दो विकेट हासिल कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी तक 472 ये फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। सुमन गिल जो कि अभी तक दोस्तों 507 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर हैं, एक दो विकेट हासिल कर लेते हैं ज़्यादातर मैच में और 20 से 25 रन दोस्तों हर मैच में ये लगा देते हैं, तो आप इनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए दोस्तों, जो कि अभी तक 554 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। बात करूँ फ्रेंड्स अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों विकेट कीपर में मैंने रिद्धिमान शाह एंड फिलिप साल्ट को सिलेक्ट किया है। बैट्समैन में मैंने डेविड वार्नर, डेविड मिलर एंड सुमन गिल को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है। ऑलराउंडर मैंने अक्षर पटेल, मिशेल मर्स एंड हार्दिक पांड्या को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है। बॉलर में मैंने कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड राशिद खान को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है। बात करूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों मैंने जो कप्तान बनाया अपनी फैंटेसी टीम में वो मिचेल मर्स को कप्तान बनाया एंड वाइस कप्तान दोस्तों मैंने सुमन गिल को अपनी फैंटेसी टीम में बनाया फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।